जलंधर में फ्रिज फटने से एक परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। फ्रिज फटने के केसेस ज्यादातर गर्मियों में ही क्यों आते हैं और क्या फ्रिज के ब्लास्ट होने को रोका जा सकता है और वो कौन से सिम्टम्स होते हैं जिससे आपको पता चल सके कि आपका फ्रिज फटने वाला है या नहीं। और 3D में देखते हैं पहले फ्रिज काम कैसे करता है और फ्रिज में ब्लास्ट होता ही क्यों है, ये देख लेते हैं। आखिर में ये जानेंगे कि इन ब्लास्ट को रोका कैसे जा सकता है। फ्रिज और एसी का मैकेनिज्म एक जैसा होता है, ये दोनों ही गर्म गैस को ठंडा करके अपने आसपास की चीजों को ठंडा करती है। फ्रिज के पीछे ये कुछ पाइप्स और नीचे ये मशीन लगी रहती है जिसे कंप्रेसर कहते हैं। इन पाइप्स में एक तरह का जेल होता है जो पूरे पाइप में घूमता रहता है। ये कंप्रेसर इस जेल को बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में गैस बना देता है और ये गैस यहाँ से निकल के ठंडी होने के लिए इन पाइप्स में आती है जो फ्रिज के पीछे लगे रहते हैं। ये गैस ठंडी होकर वापस जेल बन जाती है और ऊपर फ्रिज में आ जाती है। यहाँ फ्रिज की गर्मी को अपने अंदर लेके फ्रिज ठंडा करने के बाद वापस नीचे कंप्रेसर में आ जाती है। कंप्रेसर इस जल को वापस गैस बना देता है और ये गैस वापस ठंडी होके ऊपर फ्रिज में चली जाती है। अब फ्रिज काम कैसे करती है ये आसान भाषा में समझ आ गया तो ये देखते हैं कि ये ब्लास्ट क्यों होती है। फ्रिज के ब्लास्ट होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला, गर्मी की वजह से फ्रिज को ज्यादा काम करना पड़ता है क्योंकि बार बार इसका दरवाजा खुलता है और अंदर रखी चीजें ठंडी करनी होती है तो कंप्रेसर बहुत तेजी से इस जल को पाइप्स में भेजता रहता है। दूसरा, वोल्टेज लो के कारण ये कंप्रेसर ठीक से काम नहीं करता और इस जेल को पाइप्स में भेजने में और मेहनत करता है जिससे ये खराब हो सकता है। तीसरा, अगर आपका फ्रिज एकदम दीवार से लगा रहता है तो हवा बहने की जगह नहीं मिलेगी और ये पाइप्स जिनमें गर्म गैस है ये ठंडी नहीं होगी जिससे कंप्रेसर और इन पाइप्स का तापमान बढ़ जाएगा और प्रेशर ज्यादा होने से कंप्रेसर फट जाएगा। चौथा कारण ये भी हो सकता है कि आपके फ्रीजर में बर्फ जमती हो जिससे कि ये पाइप्स अच्छे से काम नहीं करेंगे और फ्रिज ठंडा नहीं कर पाएंगे जिससे कि कंप्रेसर और ज्यादा प्रेशर से मेहनत करेगा और ओवरलोड होके फट जाएगा और ये जमी हुई बर्फ लाइट जाने से पिघल जाएगी जिससे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है और फ्रिज करंट मारेगा जिससे जान तक जा सकती है। फ्रिज को ब्लास्ट होने से रोकने के लिए फ्रिज को दीवार से 10-15 इंच आगे लगाना चाहिए और हो सके तो गर्मियों में एक छोटा टेबल फैन फ्रिज की ओर लगा दे जिससे पाइप्स को ठंडा होने में मदद मिलेगी। फ्रीजर में अगर बर्फ जम रही है तो मैकेनिक को बुला के इसकी रिपेयर करवाएं। वोल्टेज ज्यादा लो रहने से एक स्टेबलाइजर लगा सकते हैं जिससे फ्रिज में वोल्टेज की दिक्कत नहीं आएगी और अगर आपका फ्रिज 10-15 साल पुराना है तो उसके फटने के चांसेस ज्यादा हैं। उसकी रिपेयर आज ही करवा ले या फिर नया फ्रिज ले आए। आपके फ्रिज में कौन सी परेशानी आ रही है कमेंट करके बताओ। सुरक्षित रहें, सब्सक्राइब करें।